नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हम बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम एक साल दिल्ली सरकार संतुष्ट है, तो आइए चलते हैं। एक साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, आप उससे कितना संतुष्ट? क्या अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ? क्या काम किया? कुछ भी नहीं। केजरीवाल सरकार ने काम तो कुछ नहीं करा, बस खाली वो कराए उन्होंने जाम, वो ये ऑडी बन, ये नंबर, कुछ काम तो हुआ नहीं ढंग का उनका, है कि नहीं? पर बिजली का बिल बोल रहे, पानी का कम होने का, वो भी नहीं कुछ हुआ। क्या सिस्टम है? सही नहीं। केजरीवाल सरकार ने अभी एक साल में जो काम किए हैं, आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे? हम तो उनको 2 अंक देंगे, क्योंकि उनका पूरा काम हमें बढ़िया नहीं लगा। आप इस पर क्या कहेंगे? हम मैडम ये कह रहा हूँ, केजरीवाल सबसे भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों को लूट लिया है, सब झूठे झूठे मूठे वादे करके। उनके पास टाइम केवल हमारे प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहने के लिए टाइम है, और किसी चीज के लिए नहीं। एक पैसे नहीं है, वो झूठ मूठ वादे हैं, हर तरह से असंतुष्ट हैं। अगर उनके द्वारा किए गए कामों को आपको 10 में से अंक देना, तो आप कितने देंगे? 0 पैसा। देखा जाए तो जो भी किया कि बिजली का बिल सस्ता हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। यानी जो भी कोई कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि लगभग 5% भी नहीं हुआ उसमें। महंगाइयां सिर्फ बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा दिल्ली। आपके सामने ही है, कहीं लग रहा है आपको कहीं लगी हुई सीसीटीवी? दिल्ली एकदम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत गलत नजर से देख रहे हैं कि, यानी कि एकदम झूठा कमिटमेंट था, सीसीटीवी कैमरे देंगे, वाईफाई देंगे, फलाना देंगे, जो भी देंगे, यानी कुछ भी लगभग 10% भी नहीं हुआ, और सिर्फ महंगाई हमें समझ आ रही है। महंगाई हुई है, 10 में से हम शायद सोचेंगे एक नंबर देने के लिए भी सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना ही वो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रामे करने में है। उन्होंने आज तक कोई काम किया हो तो बता दो, वो सिर्फ मोदी को बदनाम करने में और ड्रामे करने में तुले हुए हैं। रही बात ओडी1 की, ओडी1 सिर्फ फ्लॉप है, क्योंकि जो गाड़ियां रोड पे उतारने से मना कर रहे हैं, गाड़ी जो बंदा अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा है वो मेट्रो से नहीं जाएगा, वो टैक्सी से जाएगा। एक गाड़ी रोड से हटेगी, दूसरी गाड़ी रोड पे आएगी। ओडी1 भी बिल्कुल फेल है, और रही बात केजरीवाल की, वो तो फ्लॉप है ही है, वो बिल्कुल बोकस। हमें तो कुछ भी नहीं आया, उससे बदतर हो गया। पहले फिर भी ठीक था, अब तो बदतर ही हो गया। यहाँ सारा दिन सीवर भरे रहते, इतना पानी आता, इतना मच्छर हो रहे, घर में बैठना मुश्किल हो गया अंदर, और पानी में जा जाकर लैट्रिन और बाथरूम के सीवर के पानी में से पाँव लगा के हम लोग निकलते हैं। इधर रोज कंप्लेन करते हैं, वो कभी आ भी जाते हैं तो सब कड़ा सोए कर गए रात को, फिर बंद, क्योंकि सीवर अंदर से ब्लॉक है। भाई कभी हमने तो अभी कोई इतना देख उधर देखा नहीं। इधर सीवर में कंप्लेन करके आते हैं, किस टाइम आते हैं, खोल भी जाते हैं, एक घंटे के अंदर फिर भर जाता है। इतना मलबा निकला एक बार, अब ऐसे के ऐसे मलबा पड़ा उठाने तक अभी तक नहीं आए। ये देखो 2-3 मिनट हो गए मलबा पड़ा हुआ, ये सीवर का निकल, इतना भर जाते हैं लेकिन सफाई का नाम नहीं है। अभी आपने सुना दिल्ली की जनता की राय, अब फैसला दिल्ली सरकार का कि जिन वादों के बलबूते पर दिल्ली सरकार ने भारी बहुमत में अपनी सरकार बनाई थी, क्या उन वादों को दिल्ली सरकार पूरा करेगी या नहीं? ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net। नमस्कार।